क्या इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहर नहीं? क्या कोई नहीं है बेटा? अगर एक आज हमारे लाल होता तो हमारा किस प्रकार से जीवन कटता मेरे लाल? ये अंदर ठोकर मैं नहीं खा। कोई बात नहीं, अगर ये बोझ लेके चलने के लिए हमारी ये अब काया नहीं है बेटा। नहीं ना, मैं नहीं चल सकती हूँ। आज से ये बोझ मत ले आया करो। सुनो, ये तो ईश्वर की विडंबना है ना। विदना ने जिस दिन संसार रचा महाभूमि गई जब
चलना चाहिए, क्योंकि सरदार जी तो रास्ता ही देखते होंगे। हेलो, क्या को बता रहे हो आप? क्या बात है, उस बूढ़ी माँ को तकलीफ देकर अभी तुम्हें सुकून नहीं मिला? नहीं। अब क्या चाहती हो? क्या अब क्या चाहती हो तुम? मैं मैं क्या चाहती हूँ? अब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझसे क्या चाहती हो? आपने उन्हें क्यों भगा दिया? क्यों छुड़ा दिया? छुड़ा दिया? हाँ। अरे तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है क्या? किसी बूढ़े इंसान को सताना नहीं चाहिए, कभी तुम पर भी बुढ़ापा आ सकता है ना? मुझ पे? और हमेशा जवान ही बनी रहोगी? जब से देखा है तुम्हें। मुझे? जी। तो? जब से देखा है तुम्हें, दिल मेरा बलिहार है। मैं जानती हूँ पछी जन्म का प्यार है। तो मैं तुम्हारा प्यार हूँ? सुनो, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि और कौन हूँ? मैं तो एक डाकू हूँ। डाकू? और डाकू तो बहुत बेकार होते हैं, फिर भले भी होते हैं। वो कैसा? वो ऐसे भले होते हैं। बेकार कैसे होते हैं पहले वो बताऊं? बेकार होते हैं, माँ बहन की इज्जत लूटते हैं। अच्छा, और भले? और जब भले होते हैं, माँ बहन की इज्जत बचाते हैं। तो मैं तो बेकार ही हूँ? नहीं, बेकार नहीं है, तुम सही हो। मैं सही हूँ? तुम बहन की इज्जत बचा ली, चलो मेरे लिए बचा ली। सुनो, तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो? तो मेरी बात सुनोगी, उसके बाद में बोलना। हाँ। हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, और वो चूकने वाला निशाना नहीं अच्छा। दिल देना समझ बूझ के होशो हवास में, परदेशियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। और सुनो, मैं एक तुम्हें सलाह देता हूँ। हेलो मास्टर। और मैं तो प्यार करो परदेशी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे रे। मैं तो प्यार करो परदेशी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे रे। मैं तो प्यार करो। रुको रुको, पहले ये बात बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, नाम पहले बताइए। मेरा नाम सोहन सिंह है। सोहन सिंह? और पत्थर का तेरा दिल है फूलों से बदन वाले, उल्फत क्या निभाओगे भावों से चमन वाले। हम साथ से टूटेंगे निभाओगे कदम कितने, मैं फूल वो जख्मी हूँ जो ढूंढेंगे चमन वाले। कहे ना तो हकीकत लाजिम है, जाते हो? मेरा नाम गीता है। गीता? नाम तो बड़ा प्यारा है। आपका नाम बहुत अच्छा है। सुनिए मेरी बात। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं डाकुओं से बहुत मोहब्बत करती हूँ। डाकुओं से? हाँ। यानी हमसे नहीं, और दूसरे डाकुओं से? नहीं नहीं, आपसे। तो ऐसी बात बोलो फिर। आई लव यू। ओह, आई लव यू। सुनो, हमारी रहेगा
चांदनी है तू आसमान पे तुझसा जहां से आ गया तो तेरा मन हुआ हमारे साथ में, मैं तुझे लड़की दिखाई दे रहा हूं तो फिर बहुत अच्छी बात है। ऊपर कर देख वो लड़की, हाथ उठाओ ऊपर, सुनिए साहब ये कौन थे? अरे ये तो पाड़िया था अपना, सिर्फ पाड़िया था। हाँ ये कभी कभी मौज मस्ती लिया करता है ना। सुनिए मेरी बात, कहो तुम रे मेरे बीच में हो, अरे तुम रे मेरे बीच में कैसा बंधन Thank you.
सकता हूँ। अरे जब तुम चाहोगी मैं दौड़ा चलाऊंगा। कब मिलोगे? मैं हाँ। अरे जब भी पुकारोगी सुनो। सही बता अच्छा। और वादा कर ले जाने जा, क्या तेरे बिना मैं ना रहूं, तू मेरे बिना तू ना रहे, ना होंगे जुदा। पहाड़ी का मैदान दिखाई दे रहा है, वही बस उसी जंगल में मैं ठीक नहीं आऊंगी। ठीक चलते। अच्छा तो हम चल जाइए टाटा भाई। हेलो, अब देखिए मैं आगे की सीन आप लोगों को दिखाई जाएगी। आप दिल ठान के बैठिए और मालिक जय राम आएंगे भाई। नौको मालिक अभी मेरी बेटी वापस ही आई। अभी नहीं आए तो गड़बड़ चलाए हुई को क्या कहा रे? अरे गोली वाली मारी गई, मार दे हनु पकड़ी गई। अरे उनको पता लगा हो जाए। ठीक है, नए महीने में हमाली पे बैठता हूँ और बेटी मनसा की याद मार ले। ठीक है, मैं करूँगा। क्या बोले? पिताजी बेटी। हाँ पिताजी। कहिए माहन का खून करके आ गए, कहाँ लाश उसकी है? पिताजी हाँ, मैंने बहुत तलाश की लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। क्या कहा? तुम्हें मोहन कहीं भी नहीं पता लगा? कहीं नहीं पता लगा। क्या कह रहे हो नौकर? किस रूप का रंग बदल गया? क्या बेटी, क्या कह रहा है? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटी, अब तुम जाइए, मैं मोहन की स्वयं मैं तलाश करूंगा। नौकर एक बात सुनो कि हमारा एक दोस्त बिहेवी रहता सोहन सिंह। ठीक है, हम सोहन सिंह से मिलते हैं और वो सलाम ज्यादा मोहन को उसी से खून करवाते हैं। बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब हमें उस सोहन की तलाश में चलना चाहिए। चलना चाहिए, चलते हैं। अब देखिए इधर भाई भाई का झगड़ा और फिर कैसे मिला होता है बिछड़े हुए भाई को। सोहन सिंह दोस्त नमस्कार। नमस्कार राजू। ए राजू कहिए महाराज, कैसे आना हुआ? दोस्त एक आपसे जरूरी काम है। काम? उसे क्या काम है? जगर मेरा वादा आप
पूरा करोगे जितना रुपया चाहोगे मैं दूंगा। अरे महाराज, दोस्त भी कहते हैं और रुपए की भी बात करते हैं, आप तो हुक्म कीजिए, फिर आखिर दोस्ती कैसे? काम कठिन है। काम कठिन है? बिल्कुल। तो बताओ तो जरा दोस्त, काम हमारा यह है कि आप जिंदा या मुर्दा मोहन को जोगर मेरे हवाले करोगे और जितना रुपया चाहोगे उतना मैं दूंगा। लेकिन महाराज, एक शर्त है मेरी। बोलिए, कौन सी शर्त है? गीता आपकी बेटी है? बिल्कुल सत्य कहा, मेरी बेटी है गीता। लेकिन मैं गीता से प्यार करता हूं, मुझे गीता चाहिए। क्या कहा सोहर? मुझे गीता चाहिए और मैं मोहन को जिंदा या मुर्दा तुम्हारे सामने हवाले करूंगा। तो सोहन सिंह अच्छी ही वादा करता है, सुनिए मेरी बात को। आपकी शर्त हमको ये मंजूर है, जिस दिन मोहन को जिंदा पकड़ लाओगे सोहन खा के सावन कहता मैं भगवान की, उसी दिन में गीता आ जाता। क्या बातचीत करता है, आगे देखिए क्या होने वाला। आज मैं कितनी दूर दूर तक खिलौना बेच के आई हूं और अब मुझे बहुत बड़ी थकावट लगी है। बसे हैं भगवान दोनों के बीच, बसे हैं भगवान दोनों के बीच, बसे हैं भगवान दोनों के बीच। Oh,
मछली साबुन हटो से मछली रह गई, एक बढ़िया हो नहीं रह गई रे, तो नहीं होते बढ़िया हो नहीं रह गई रे। Oh, my God.
मैं तुम्हारी।